सैनिटरी नैपकिन जो है वो हर एक वुमन की एक ज़रूरत रहती है और इस पे काफ़ी जो है काम होना भी चाहिए। और हमारी अपनी जो लड़कियां हैं यहाँ पे वो वेंडिंग मशीन्स और सैनिटरी नैपकिन मेकिंग मशीन्स जो हैं उन्होंने यहाँ पे लाई हैं। सखी एक जो एनजीओ है वो काम कर रही है और उन्होंने यहाँ पे कोलैबोरेट किया है। हमारी रूरल लाइवलीहुड मिशन की लड़कियां जो हैं उसमें से 3-4 सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर्स इस पहले प्रोजेक्ट पे पायलट प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं जो कि ये नैपकिन्स बनाएंगी भी। और हमने 50 स्कूल्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनमें ये डिस्पेंसर्स और इंसिनरेटर्स जो हैं वो दोनों लगेंगे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी फ्यूल और वो एक तरह से मार्केट का भी काम करेंगे। हमें बहुत खुशी है यहाँ पे यूनिट लगाते हुए क्योंकि एक यूनिट में से 10 से 15 बहनों को परमानेंटली रोजगार मिलता है और उसके साथ साथ और बहनों के सेहत की समस्या भी सॉल्व हो जाती है। उनको एक हेल्दी प्रोटेक्शन साफ सुथरा प्रोटेक्शन मिलता है जिससे उनका स्कूल एजुकेशन बरकरार रहता है। यह बहुत बड़ी बात है। ऐसे भारत भर में हमारे 175 यूनिट्स और है और स्टेट्स में और बड़ी खुशी है कि कश्मीर में भी मेरी बहनों को अभी यही सहूलियत मिलेगी। हमारा पैड जो है वो 100% बायोडिग्रेडेबल है वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि यहाँ की सुंदर फिजा जो है उसकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। तो इससे बहनों की सेहत भी अच्छी रहेगी और यहाँ का सुंदर पर्यावरण भी साफ सुथरा और वैसा ही रहेगा।